दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। गुरुवार को 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल आजाद भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा या फिर क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है, अगर हाँ तो कैसे। आज तक एक्सप्लेन में इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले, क्या सीएम रहते हुए किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है। देश में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही क्रिमिनल मैटर्स में गिरफ्तारी से छूट है। दूसरा, क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सीएम बने रह सकते हैं? तो इसका भी जवाब है हाँ, रह सकते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि जेल जाने पर मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या फिर विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा। सीएम केजरीवाल को अगर 2 साल की सजा होती है तो भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। जी हाँ, कानून के मुताबिक अगर इससे ज्यादा सजा होती है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर केजरीवाल खुद से इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी वो विधायक बने रहेंगे। जेल से अब सरकार कैसे चलेगी? जेल मैनुअल के हिसाब से सीएम जेल में रहकर अपना कामकाज देख सकते हैं। वो जेल में रहते हुए सरकारी योजनाओं की फाइल पर साइन कर सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए कोर्ट परमिशन जरूरी होता है। जी हाँ, अगर किसी फाइल पर अगर सीएम का साइन होना हो तो उसके लिए पहले कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट को लगता है कि फाइल पर सीएम का साइन जरूरी है तो उसे जेल प्रशासन को भेजा जाता है। जेल प्रशासन सीएम से जुड़ी फाइलों पर साइन कराने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा। नोडल ऑफिसर फाइलों को चेक करके सीएम से साइन करवाएगा और फिर उनके ऑफिस के अधिकारियों को लौटा दिया जाएगा। इसी तरह कैबिनेट मीटिंग सीएम अपने ऑफिस जाकर अटेंड करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा। इसमें कोर्ट देखेगा कि क्या मीटिंग में बिना सीएम के फैसले नहीं लिए जा सकते हैं, क्या सीएम का फिजिकल मीटिंग में रहना जरूरी है। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए और इन सब को देखते हुए कोर्ट ये तय करता है। हालांकि ये काफी लंबा काम हो जाता है। ऐसे में सीएम केजरीवाल के पास ये विकल्प है कि वो किसी सीनियर मंत्री को एक्टिंग सीएम बना सकते हैं। सीएम के जेल में रहते हुए एक्टिंग सीएम उनकी जगह पर फैसले ले सकता है और उनका कामकाज संभाल सकता है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।